पंची धाम नैनीताल, बाबा नीम करौली जी, काकड़ी घाट, श्री स्वामी विवेकानंद तपस्थली। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा, सुंदरकांड पाठ, महाप्रसाद एवं भजन कीर्तन का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से मंदिर के प्रांगण में मनाया जाएगा। यह प्रोग्राम दिल्ली में सिंगर उदयवीर तंवर, सिंगर प्रतीक्षा तंवर, सिंगर सुषमा, सिंगर बेबी अंजलि ठाकुर के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। किरण सिंह तंवर, किनी टाइम्स। किनी टाइम्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर काकड़ी धाम कैंची धाम नैनीताल से सीधा लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल काकड़ी धाम की इस जगह पीपल के वृक्ष के नीचे स्वामी विवेकानंद को हुई थी आत्मज्ञान की अनुभूति। अपने ही पिंड में दिखा था ब्रह्मांड। पंतनगर यूनिवर्सिटी से वृक्ष के बचाव के लिए बुलाए गए थे वैज्ञानिक। स्वामी विवेकानंद की आज 120वीं पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन 1884 में हो गया था। इसके चलते ही घर की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो चली थी। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंततः वे रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें बेहद प्रभावित किया, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। 1881 में रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया और संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद रखा गया। स्वामी विवेकानंद का उत्तराखंड से बेहद करीबी रिश्ता रहा है। उत्तेष्ट भारत का संदेश लेकर 1890 में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जब हिमालय यात्रा पर निकले तो तीन नदियों के संगम काकड़ी घाट पर उन्हें अद्भुत खगोलीय तरंगों की अनुभूति प्राप्त हुई। वे स्नान कर पास के ही एक विशाल पीपल के वृक्ष की छाया में बैठ गए। एक घंटे तक वहाँ ध्यान मग्न रहे। इसी दौरान उन्हें विश्व और अनुब्रह्मांड का एक ही नियम की संरचना का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बारे में उन्होंने अपने संगी गुरु भाई स्वामी अखंडानंद के समक्ष इसका जिक्र भी किया। 6 साल बाद 1996 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के न्यूयॉर्क में बृहत ब्रह्मांड व सूक्ष्म ब्रह्मांड विषय पर व्याख्यान देने पहुंचे थे। वन अनुसंधान के मुताबिक 19 व 26 जनवरी को उनके द्वारा यह विदेश में व्याख्यान दिए गए। उत्तराखंड के काकड़ी घाट में हुए इस दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभूति का जिक्र स्वामी विवेकानंद ने पहली बार विश्व के समक्ष इस व्याख्यान में ही किया था। उत्तराखंड का काकड़ी घाट गांव नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के बीच बसा काकड़ी घाट गांव ज्ञान का केंद्र है। इसी गांव के लोग बताते हैं कि यह जगह ईश्वरीय शक्तियों का भंडार और सिद्ध स्थान है। बता दें कि इसी जगह पर नीम करौली महाराज का आश्रम भी है। बाबा नीम करौली ने भी कड़ी धाम पर तपस्या की थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पूज्य संत सोमवार गिरी महाराज ने वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। यह वट वृक्ष आज भी मौजूद है। कटकटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान काल भैरव साक्षात विराजमान है, जिन्होंने स्वामी जी को साक्षात दर्शन दिए थे। साल 2010 में आपदा के दौरान इस आध्यात्मिक पीपल वृक्ष को काफी नुकसान पहुंचा था और यह सूखने भी लगा था। पेड़ के महत्व को देखते हुए पंतनगर यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिक बुलाए गए और विज्ञानी विधि से एक हिस्से की कटिंग कर हल्द्वानी लाया गया, जिसके बाद रामपुर रोड स्थित वन अनुसंधान की नर्सरी में रेंजर मदन विष्ट की देखरेख में इसे रोपा गया। ऐतिहासिक व आध्यात्मिक महत्व का ये पेड़ अब बढ़ने लगा है। बाकायदा बोर्ड के जरिए विवेकानंद व वृक्ष का संबंध भी लोगों को बताया गया है। आज जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद का आश्रम है, वहाँ इसी पीपल के वृक्ष की क्लोनिंग लगाई गई है। काकड़ी घाट में यह वृक्ष विशेष देखरेख में है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब